300 विधायक हमें यूपी चाहिए, 300 विधायक हमें यूपी चाहिए, मोदी और योगी संग केसो चाहिए, मोदी और के योगी संग केसो चाहिए, ना सोना चाहिए ना मोदी चाहिए, हमें तो यूपी में मोदी योगी चाहिए, हमें तो यूपी में मोदी योगी चाहिए। भारत माता की जय। गुजरात के सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो छवि पूरे देश में दिखाई पड़ी, उससे मैं प्रभावित हुआ, अगाध प्रेम बढ़ा और मैंने एक मूर्ति बनवा करके भगवान शिव के पास अपने इस मंदिर में, शिव के मंदिर में स्थापित किया और प्रतिदिन इनको मैं स्नान करा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे नरेंद्र मोदी जी की आत्मा, आप यहाँ आओ और भगवान शिव आपको शक्ति दे, ओम नमः शिवाय जपते रहो। और मैं इनके लिए यहाँ पर महामृत्युंजय का जप करता रहता हूँ, शिव की आरती करता रहता हूँ और साथ ही साथ भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाएँ इनको इतना आत्मबल प्राप्त हो कि देश में विदेश में पूरा इनका डंका बजे। मैंने एक कविता लिखी थी, मोदी राजा तेरे नाम का पूरे विश्व में है डंका बाजा, वो आज पूरे विश्व में साकार हो रहा है। और इस मूर्ति से 2014 में मैंने विजय प्राप्त करी, 2017 में विजय प्राप्त हुई, 2019 में विजय प्राप्त हुई और 2022 में भी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार फिर से बनने जा रही है। इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई टिटबट नहीं है। और उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, पुराने सहयोगी भी रहे हैं, उनको भी मेरी भविष्यवाणी है कि वो निश्चित रूप से सिराथू में विधानसभा में भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से योगी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी आने की भी यहाँ कुछ मैं जब इस मूर्ति को स्थापित किया था तो मेरा संकल्प था, वो आज भी है कि आदरणीय मोदी जी जब कभी समय मिलेगा तो सबरी की तरह मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 125 लड्डू और 1100 कन्याओं का यहाँ पर कन्या भोज करके इस कार्यक्रम का समापन करूँगा, प्रतीक्षारत हूँ, आएंगे जरूर, ऐसा मुझे विश्वास है।